आप सबका खैर मकदम में E9 न्यूज पर। इलिया शरफुद्दीन का गुस्सा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि योगी ने दी लाइव गाली। ANI के रिपोर्टर से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने दी गाली, जिस पर इलिया शरफुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए इस पर गुस्से का इजहार किया और साथ ही सवाल किया कि आसाम में 90 वोटर्स के बूथ पे 180 वोट ही दर्ज हुए। उन्होंने सवाल किया कि इतने कम लोग वोट देना कैसा हो सकता है। आगे की तफसीलात सुने इलिया शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह की जुबानी। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाली दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ, अगर आप उनकी पुरानी हिस्ट्री देखें तो एक गुंडे टाइप आदमी है। वो मारो काटो, हिंदू वाहिनी के पूरे गुंडों को लीड करो, ये उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसमें गुजरा है। इसीलिए उन पर कई केसेस चल रहे थे जो वो वापस लेना शुरू करे, और अभी भी कई केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो गुंडे टाइप का आदमी है, तो गाली गलौज तो उसके दिल में दिमाग में रहेगी, मारना काटना आग लगाना। इसलिए उत्तर प्रदेश में देखो आप, रेप मर्डर डकैती, जब से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बना जब से बर्बादी देख लो उत्तर प्रदेश की। अब आप इतने वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आसाम में हार रहे, बंगाल में हार रहे, बीजेपी वाले RSS वाले मोदी अमित शाह योगी, अब परसों योगी गए थे बंगाल तो पूरे चेयर खाली, 200 लोग नहीं थे, पब्लिक वहां की थूकरी, तो इसीलिए वो गुस्से में अब छिड़छिड़ा हो गया, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा उसको। कभी EVM चोरी कर ले रहे बीजेपी RSS वाले, कभी गाली दे दे रहे, गाली गलौज कर रहे। अभी आसाम में एक पोलिंग बूथ पे 90 वोटर है, 180 वोट पड़ गए, लेकिन 90 वोटर है 180 वोट पड़ गए। ऐसे लुच्चे कामा कर रहे हैं वो लोग। मैं समझता हूं बीजेपी के दिन अब करीब आ गए हैं, अब वो डाउनफॉल की तरफ है, नीचे आ रही, अब संभलना मुश्किल है उसके लिए, हालात बहुत बर्बाद होते जा रहे हैं बीजेपी के, तो इसलिए ऐसा लुच्चे पने पे गाली गलौज पर उतर गए हैं। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मोदी अमित शाह योगी बीजेपी RSS वालों और सब आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ, उससे शांति उन्नति आएगी, एक दूसरे पर इखलाक से बात करना, मोहब्बत से बात करना आएगा। वो योगी का मैं वीडियो देख रहा है, एक हिंदू को गाली दे रहे, उन्होंने गंदी गाली दे रहे, खराब दिखा, अच्छा नहीं दिखा, मेरे को इस्लाम लाओ, इखलाक पाओ और देश बचाओ, देशवासियों को बचाओ, खुद को बचाओ। अस्सलाम वालेकुम।